एक बज गया, लेकिन पार्टी भी बाकी है भाई। भाई आतिश जल्दी अंदर चल, ये पब भी बंद हो गया ना तो कुछ नहीं मिलेगा। आजा आजा। ए भाई कौन हूँ मैं? दिग्विजय पाटिल का बेटा। ठीक, ये टाइमिंग वाइमिंग ना औरों के लिए होती है। हम आतिश पाटिल है, राजा आदमी है, अपनी टाइमिंग अपने हिसाब से सेट करो। राइट करेक्ट। अब चले चले भैया। महेश शिंदे ना, ये यहाँ क्या कर रहे इतनी रात? अरे आया होगा खाने पीने नाचने गाने। हैं हमको क्या? यो इसको देखते ही हमारा खून उबल जाता। पता है सही मौका इसको साइड में ले जाकर ठोक दे। अरे छोटे, राजनीति में मामले इससे नहीं इससे सुलझा जाए। चल हम अपना एंजॉय करते हैं। चलो है ना, चलो। ये पब है क्या भैया? ऐसे पब में लेके जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। इसको पब बोलते हैं। अरे ये शमशान घाट है, देखो भूत नजर आ रहे नाश्ते में। अरे वेयर इज क्राउड मैन, कहाँ है क्राउड? अब छोटे रात को एक बजे तुझे कौन से पब में क्राउड मिलेगा? टाइम बहुत हो गया ना, चलो तो कहीं और चलते हैं। अरे लेकिन अभी इस वक्त कहीं कुछ और नहीं मिलेगा, ये कम से कम खुला हुआ तो है। वी लाइक टू हैव सर, क्या खाएंगे? खाएंगे अभी तो पिएंगे यार, जा जाके बाहर का मेन्यू लेके। दो विस्की लार्ज ऑन द रॉक्स। एक्सट्रीमली सॉरी सर, बार काउंटर बंद हो चुका है, अभी हम आपको शराब नहीं दे सकते। आतिश। अरे मैं जानता हूँ इनकी फितरत। देखो दो विस्की लार्ज। एक्सट्रीमली सॉरी सर, बार का फाइनल अकाउंट हो चुका है, बार एकदम पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। ए, लेना प्लीज, आप डिनर ऑर्डर कर दीजिए, वो भी लास्ट एंड फाइनल। थप्पड़ मारूंगा ना जिंदगी भर, घर वाले ढूंढते रह जाएंगे। मैं तो वेटर हूँ साहब, मैं मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं देता नहीं था क्या सर? नहीं मैं समझ सकता हूँ, मैं शराफत से बात कर रहा हूँ, ये कॉलर पकड़ के। अरे क्या कर रहा है, क्या करे इसको? कौन देगा? उसके हाथ में, बारटेंडर के हाथ में। मेरा नाम है आतिश पाटिल और दारू तो मैं आज पी के रहूंगा। चल दारू पिला। दो लार्ज स्कॉच भैया, हाँ ऑन द रॉक्स। सर बार क्लोज हो चुका है। इतनी गोलियां चलाऊंगा कि तेरी जिंदगी दो मिनट में बंद कर दूंगा मैं। सर काउंटर क्लोज हो चुका है। हाँ भैया सुन, दारू पीने मेरे आतिश, मैं पिलाता हूँ। सर थोड़ा तमीज तो सिखाइए। अरे मुझे तमीज सिखा। रुकिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए प्लीज। प्रॉब्लम क्या मुझे बताइए प्लीज। प्लीज गन अंदर रखिए प्लीज, याद हो जाइए प्लीज, गन अंदर रख लीजिए प्लीज। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए प्लीज 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 मत कीजिए ऐसा प्लीज।
आजा आजा मेरे दोस्त। आपको मेरा बर्थडे याद था? याद नहीं, बाय हार्ट हो गया। तू पिछले 10 दिन से तो याद दिला रहा है कि मेरे बर्थडे में अब 9 दिन बचे, अब 8 दिन बचे, 7 दिन बचे, 6 दिन बचे, तो बाय हार्ट ही हो गया। चलना केक काट, मेरा मुंह क्या देखा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा। ओह थैंक यू। एक काम कर, एक केक पूरा ले जा, अपने दोस्तों के साथ बांट के खा जा। क्या बोल रहा है? अच्छा गिफ्ट, गिफ्ट गिफ्ट तेरे घर पे पहुंचा दिया है, तेरी मम्मी के पास। अब जा यहां से भाग। तेरा जन्म। नमस्कार। अरे पाटिल साहब आइए आइए आइए, बैठिए। आपके बेटे के बारे में सुना। केड़ी, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कितना पैसा चाहे उतना बढ़ा सकता हूँ। मेरे बेटे को बचा लो। आपकी दुविधा मैं समझता हूँ पाटिल साहब, किंतु आपके सुपुत्र अगर दौलत के बलबूते पर रिहा हो पाते तो हो जाते, आपको यहाँ नहीं आना पड़ता। केडी साहब, माना कि आप बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप पाटिल साहब से इस तरह से बात करें। पीए हैं आपके। पीए साहब, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर दिग्विजय पाटिल साहब जैसे वरिष्ठ नेता मेरे पास आए तो सब उपाय जान चुके होंगे ना। क्यों? देखिए, इस केस को बिगाड़ा मीडिया ने है, आतिश बाबा ने कुछ नहीं किया, निर्दोष है वो। जहाँ तक का मैंने सुना है और जहाँ तक मेरा ज्ञान है, आतिश बाबा ने कई लोगों के सामने ये किया है, तो चश्मदीद गवाह है इस बात के। पटेल साहब क्षमा कीजिए, लेकिन ऐसा केस नहीं ले सकता मैं। आतिश का कहना है कि उसने गोलियां चलाई, लेकिन बारटेंडर कार्तिक पे, मैनेजर शेट्टी पे नहीं। पाटिल साहब, यहाँ विवाद ये नहीं है कि गोली किस पर चलाई गई और गोली किसे जाकर लगी। सत्य ये है कि जिस गोली से मैनेजर की हत्या हुई वो आपकी बेटी ने चलाई थी। केडी साहब, ये तो आप वही बोल रहे हैं जो पूरी दुनिया बोल रही है, फिर आपके पास आने का फायदा क्या? चलिए पाटिल साहब, शहर में और भी बहुत बड़े वकील हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए जोशी, मैं बात कर रहा हूँ ना। केडी, इसकी बात का बुरा मत मानिए। नहीं। क्या है, आतिश के ना छूटने के डर से सभी लोग चिड़चिड़े हो गए। पाटिल साहब, मैं समझता हूँ आपका इकलौता सुपुत्र है, किंतु मेरे आदर्श मुझे ये अनुमति नहीं देते कि मैं अपराधी के पक्ष से कोई मुकदमा लड़ूं। मैं तुम्हें उसके पक्ष में खड़े रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसको सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन उस जुर्म के लिए जो उसने किया है, ना कि उस जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं, उसको फंसाया जा रहा है। आपके बेटे को फंसा कर किसका लाभ हो सकता है? केड़ी, राजनीति में दुश्मन तो होते ही है। अगला चुनाव आतिश लड़ने वाला था और उसको मैं जिता भी देता, पार्टी रूलिंग पार्टी बनती, उसको मैं मिनिस्टर बनाता। मुझे लगता है इसमें किसी की सोची समझी साजिश है। पाटिल साहब, दुर्भाग्यवश इन बातों से ये प्रमाणित नहीं होता कि आतिश अपराधी नहीं है। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये केस मैं नहीं ले सकता। केडी पाठक, आतिश पाटिल का केस लेकर तू अच्छा नहीं कर रहा है केडी। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं भाई साहब? मैं जो कोई भी बोल रहा हूँ, तू बस इतना समझ ले कि अगर तूने आतिश पाटिल का केस लिया तो
ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तेरा केस लेने के लिए कोई वकील नहीं आएगा। बधाई हो भाई साहब, ये फोन करके आपने आतिश पाटिल के पक्ष में एक वकील खड़ा कर दिया। वैसे देखिए, हेलो हेलो, कमाल है, पूरी बात भी नहीं सुनते। दिग्विजय जी, केडी पाटिल जी, जी मैं लड़ूंगा आतिश का केस जी। थैंक यू योर ऑनर। 1 अप्रैल 2013 रात के करीब 1 बजे होंगे, सेंट्रल मिनिस्टर श्री दिग्विजय पाटिल के सुपुत्र कहना ठीक नहीं रहे, बेटे श्री आतिश पाटिल अपने चचेरे भाई गौरांग के साथ नशे की हालत में धुत ड्राइव पर शराब खत्म हो गई तो और शराब पीने के इरादे से वो डेफोडिल पब में दाखिल हुए। देर रात हो गई थी इसलिए जो पब का बारटेंडर था कार्तिक, उसने आतिश जी को शराब देने से मना कर, तो इनको गुस्सा आया, घास सुनी हुई, और इनका गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और अंधाधुंध गोलियां चला दी कार्तिक पर। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए योर ऑनर जो पब के मैनेजर थे मिस्टर शेट्टी वो बीच में आ गए, इसलिए जो गोली कार्तिक को लगने वाली थी वो मिस्टर शेट्टी को लग गई और बेचारे वहीं पर मर गए। मानता हूँ योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि ये कोई प्री मेडिटेटेड मर्डर नहीं है, लेकिन आवेश में आकर गुस्से में आकर की गई हत्या जरूर है योर ऑनर। आतिश जी को लगा होगा कि भाई मैं तो बहुत ही प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी जिद मेरे ईगो के सामने कौन टिक पाएगा, मैं आराम से बच के निकल जाऊंगा, लेकिन को बच के जाने नहीं दूंगा आतिश जी। योर ऑनर, मेरे पास मौका वारदात पे मौजूद 10 चश्मदीद गवाह भी हैं, मौका वारदात से खूनी का पकड़ा जाना, और सबसे इम्पोर्टेंट अहम बात है ये मर्डर वेपन जिसे हत्या की गई थी ये पिस्तौल, इस पर आतिश जी के उंगलियों के निशान भी है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये खून आतिश जी ने ही किया है योर ऑनर। एडी, ये तो मेरे बेटे पे खुल्लम खुल्ला इल्जाम लगा रहा है। बैठ जाइए। पाटिल साहब, याद दिला दूं आपको कि आपकी पार्लियामेंट नहीं है कि मन चाहा तब कुर्सी से खड़े हो गए और जो जी में आया बोल दिया। आप मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगा रहे। इल्जाम झूठा या सच ये तय करने का काम जज साहब का है, आपका नहीं पाटिल साहब। मिस्टर दिग्विजय पाटिल, आप शांत हो जाइए, आपको बोलने का मौका दिया जाए। योर ऑनर, मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी कुछ भी बोलने की जरूरत पड़ेगी आज यहाँ अदालत में, क्योंकि मेरे पास जरूरत से ज्यादा गवाह भी है और सबूत भी है जिससे साफ जाहिर होता है कि एक पैक न मिलने पर इन्होंने आतिश जी ने निर्दोष आदमी बेचारे मिस्टर शेट्टी का खून कर दिया। मेरे हिसाब से तो सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए इनको और केस खत्म कर दिया जाए, बस 10 मिनट से ज्यादा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि अदालत का समय महत्वपूर्ण होता है, बहुमूल्य होता है, साथ साथ ये बात भी सत्य है कि अदालत के एक गलत निर्णय का प्रभाव एक नहीं अनेक लोगों के जीवन पर पड़ता है। इस कारण मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि इस केस की हर पहलू को जांचने परखने के बाद ही कोई निर्णय ले। पाठक साहब, मैंने जांच भी लिया और परख भी लिया, साफ साफ जाहिर है कि खून आतिश ने ही किया। अभी अभी तो आप पाटिल साहब से कह रहे थे कि इस अदालत में निर्णय लेने का अधिकार केवल न्यायाधीश महोदय को है। मिस्टर जायसवाल, ये अदालत इस केस को विस्तार से सुनना और समझना चाहती है। जैसे आप चाहें योर ऑनर। इस केस को आगे बढ़ाने के लिए मैं अहम गवाह गौरांग भाटिया को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। गौरांग जी, तो बताइए उस रात क्या हुआ था। जी, उस रात डेफोडिल पब में ड्रिंक्स का टाइम खत्म होने के बाद जब ड्रिंक सर्व करने को कहा आतिश ने, तो वेटर ने मना कर दिया था, तो आतिश को गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया था, तो इसका मतलब कि आतिश ने आपके सामने ही गोलियां चलाई थी। नहीं, देखिए, उनकी गोली मैनेजर को नहीं लगी थी। नहीं नहीं नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो पूछा जाए, गोली चलाई थी आपके सामने या नहीं चलाई? सर, बहुत अफरा तफरी थी और एक गोली दीवार की तरफ। गौरांग जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपके सामने गोली चलाई थी आतिश ने कि नहीं चलाई थी?
ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस प्लीज। लेकिन सर आतिश वैसा इंसान नहीं है, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। नहीं, आपका मानना है कि आतिश बहुत ही सीधा साधा भोला शरीफ इंसान है। नहीं अफसोस, लेकिन आपकी गलतफहमी में यूं दूर कर दूंगा, लेकिन पहले अपने सीनियर पाठक साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? योर ऑनर इस समय कोई प्रश्न नहीं। अब जा सकते हैं। योर ऑनर मैं अपनी अगली गवाह आतिश जी की एक्स गर्लफ्रेंड लीना को बुलाना चाहूंगा। लीना जी 23 दिसंबर 2012 को आपने कांदीवली पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई थी आतिश जी के खिलाफ कि उसने आपके सर पर लोहे के सलिए से वार किया और जानलेवा हमला किया था, क्या ये सच है? जी हाँ। बता सकती हैं आप ऐसा किस वजह से हुआ था? आतिश एक बददिमाग लड़का है जो मुझ पे शक करते रहता था। उस दिन हम स्टाइलिश इवनिंग रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। वहां पर मुझे मेरा एक कॉलेज का पुराना दोस्त मिला था। मेरे दोस्त ने और मैंने काफी देर तक बातें की। बस आतिश को इस छोटी सी बात को लेकर जलन हुई और उसने खूब शराब पी। गुस्सा आया होगा उसने और आप पर, तो वार वहीं पे किया रेस्टोरेंट? जी नहीं, होटल के बाहर एक पार्किंग लॉट है, वहां पर उसने मेरे साथ खूब लड़ाई की और वहीं पर पड़ी एक लोहे की रॉड लेकर मेरे सर पर दे मारा। बस तभी मैंने सोच लिया था कि इस बददिमाग इंसान को सजा दिलवा कर रहूंगी। मैं आपकी मदद करूंगा जरूर। योर ऑनर आतिश जी शराब पीने के बाद अपने आपे में नहीं रहते, वो जल्लाद बन जाते हैं। और सोचिए ना, गुस्से में आकर जो इंसान अपनी प्रेमिका को जिससे वो शादी करने वाला था उस पर जानलेवा हमला कर सकता है, तो एक मैनेजर जिसको वो जानता भी नहीं था उसको मारना कौन सी बड़ी बात है? आप कुछ ऑब्जेक्शन लेना चाहेंगे? लीना जी, आपके कथन के अनुसार उस होटल की पार्किंग में आतिश ने आपके सर पर वार किया था, हमला किया था, तो स्पष्ट है कि उस पार्किंग में तो कोई गवाह रहा नहीं होगा जिसने देखा होगा आतिश को वार करते हुए। जो भी हो, ये जो होटल की पार्किंग थी वो होटल मुंबई में कहाँ पड़ता है, किस इलाके में? जो हूँ मैं। किंतु आपने इस घटना की जो रिपोर्ट लिखवाई थी, सूची की थी, वो कांदीवली पुलिस थाने में की थी। हाँ, क्योंकि मैं एक ही थाना जानती हूँ, क्योंकि मैं कांदीवली में रहती हूँ इसलिए वहीं जाकर कंप्लेन की। आपके सर पर इतनी गहरी चोट लगी थी, लहू बह रहा था, आपने ये नहीं सोचा कि सर्वप्रथम किसी अस्पताल में जाना चाहिए और या किसी से निकट के पुलिस थाने का पता पूछ लेना चाहिए, ये नहीं सोचा? जी, मुझे इतनी गहरी चोट लगी थी कि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं बताऊं न्यायाधीश महोदय को कि आपका दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा था, आप बताएंगे? जी बताइए। वास्तविकता में उस दिन आतिश ने आपसे कहा था कि आप दोनों के बीच जो संबंध है उसको लेकर वो इतना गंभीर नहीं है और वो आपको छोड़ना चाहते हैं, बीच में मत करिए। जिसके बाद आपने खूब सारी शराब पी ली और अपनी गाड़ी लेकर अपने घर की ओर आप निकल गई। बीच में कहीं कांदीवली के आसपास ही आपकी गाड़ी की दुर्घटना हो गई जिसके कारण आपके सर पर वो चोट आई और आपने इस अवसर का लाभ उठाया। कांदीवली पुलिस थाने में आपने आतिश के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई, सत्य है ये बात या नहीं? ये झूठ है, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट अगर हुआ ही नहीं तो कृपया बताइए कि जज साहब की मेज पर उस गैराज का बिल कैसे आया जहां आपकी गाड़ी की मरम्मत हुई थी, और अगर एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो गाड़ी की मरम्मत करने की क्या आवश्यकता थी? जिस रात को यह घटना घटी उस समय आप डेफोडिल्स पब में उपस्थित थी। मैं वहां नहीं गई थी। अच्छा, आप नहीं गई थी, तो ये बताइए कि डेफोडिल्स पब के की जो वैले पार्किंग है वहां आपकी गाड़ी का नंबर दर्ज है, तो बड़ा उत्सुक हूं जानने के लिए कि आपकी गाड़ी स्वयं वहां आपके बिना कैसे पहुंच गई। वहां गई थी, आप वहां गई
अब प्रश्न ये उठता है लीना जी कि आपको कैसे पता चला कि रात 1 बजे आतिश अपने चचेरे भाई के साथ वहां जाने वाले हैं? जी, मैंने आतिश को फोन किया था। तो कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि आप आतिश की हत्या करने की मंशा लेकर वहां गई। आप बिना वजह बेतुका इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैं अपनी अंगूठी वापस लेने गई थी। कमाल करती हैं लीना जी आप। अब रात के 1 बजे अंगूठी वापस लेने का उपयुक्त समय तो होता नहीं है, है ना? मेरी सगाई होने वाली है और मैं नहीं चाहती थी कि आतिश के पास कोई भी निशानी रहे ताकि कल को वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। आतिश वैसे भी मुझसे ना मिलने के 100 बहाने ढूंढता रहता है। उस दिन मैंने ठान लिया था कि इससे मैं अपनी अंगूठी वापस लेकर रहूंगी। मान लेते हैं कि आप अपनी अंगूठी लेने वहां पहुंची थी, लेकिन जब आप अंदर गई, आपने चलित घटनाओं को देखा कि नशे में धुत आतिश गोलियां चला रहा है लोगों पर, तब आपने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। आपने षड्यंत्र रचा, आपने देखा कि ये अवसर अच्छा है आतिश को हत्या के आरोप में फंसाने का। आपने इसके हाथों से वो पिस्तौल छीनी और मैनेजर पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। ये झूठ है, झूठ है। मैं वहाँ पर गई जरूर थी, लेकिन मेरे जिंदगी के पनौती, ये कौन तुझे आज बार बार फोन कर रहा? अरे भाई लीना फोन कर रही है, एक मिनट फोन उठा लेता हूँ ना। बार बार फोन करके ना सारा मजा चौपट कर। उठा ले, कर ले बात। यही हूँ, वेट कर। करूँ? हाँ। हेलो। अरे जब तुम्हें एक शरीफ लड़का सुबह से तुम्हारे फोन को डिस्कनेक्ट किए जा रहा है, तब भी तुम उसे बार बार फोन करके इतना तंग क्यों कर रही हो यार? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ? ये ना वापस से तुम्हारा इमोशनल ड्रामा है ना, स्टार्ट मत कर देना कि मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दे दिया एंड ऑल दैट। सीधा सीधा बताओ काम क्या और फोन रख। मुझे तुमसे अभी मिलना है, अभी। अच्छा, मिलना है, क्या बात है। ये तो मुझे जरूर मालूम था कि तुम एक ना एक दिन मेरे पांव में जरूर आओ। बताओ ना स्वीट हार्ट, कब आ रही हो? कौन से होटल में रूम बुक कराऊं तुम्हारे लिए? शट अप आतिश, शट अप। मुझे मेरी अंगूठी वापस चाहिए। अंगूठी? हाँ तो मिल जाएगी, कल ले लेना। कल नहीं, अभी। दिन के वक्त फोन करो तो तुम बिजी रहते हो, रात को तुम फोन नहीं उठाते हो। मुझे मेरी अंगूठी वापस चाहिए, अभी। बताओ तुम कहाँ हो? देखो मेरी बात को कान खोल के सुनो, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी नहीं मिल सकता। कह दिया तो कह दिया। आतिश बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी आ रही हूँ। अरे बोला ना बिजी हूँ। सर वेलकम टू डैफोडिल्स। फोन काट दिया। हेलो हेलो, हो गई बात। बात हो। चले फिर, आ जा। डैफोडिल्स पब। मैं सिर्फ आतिश से अपनी अंगूठी वापस लेने गई थी। मैंने आतिश को नहीं फंसाया, मैंने किसी को खून नहीं किया। ये जो बातें आप मना कर रही हैं, ऐसा ही किया है आपने लीना जी। जिस दावे से आप कह रहे हैं कि लीना जी ने ही ऐसा किया होगा, तो आई एम श्योर आपके पास कोई सबूत तो होगा ही। अगर है तो प्लीज पेश कीजिए ना, या फिर यूं ही दबाव डाल रहे हैं आप? योर ऑनर, घटनास्थल पर लीना जी के अतिरिक्त कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके मन में आतिश के लिए निजी बैर रहा। योर ऑनर, अगर ये इत्तफाक है भी, तो ये एक इत्तफाक काफी नहीं है लीना जी पर इल्जाम लगाने के लिए। और दूसरी बात ये कि किसी भी इंसान ने लीना जी को तो क्या किसी भी लड़की को क्लब के अंदर जाते हुए नहीं देखा। मिस्टर पाठक, अगर लीना जी के खिलाफ आपके पास कोई ठोस सबूत है तो पेश कीजिए। जी नहीं योर ऑनर, इस समय तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ढूंढ निकालूंगा। हाँ तो जब ढूंढ निकालेंगे तब इल्जाम लगाइएगा। इस केस के एक और अहम गवाह डेफोडिल्स पब के वेटर अतुल को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा। अतुल, सामने गदगरे में जो शख्स खड़ा है, क्या तुम उसे पहचानते हो? जी, 1 अप्रैल की रात को इसने हमारे होटल में गोलियां चलाई थी अंधाधुंध, जिससे हमारे मैनेजर साहब की डेथ हो गई, मर गए हो।
गोलीबारी की और मिस्टर शेट्टी मर गए। इस रिवॉल्वर को क्या तुमने देखा है? आतिश के हाथ में जो रिवॉल्वर थी वो बिल्कुल ऐसी थी। योर ऑनर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसी रिवॉल्वर पर आतिश जी की उंगलियों के निशान पाए गए हैं और फॉरेंसिक का कहना है कि जिस गोली से मिस्टर शेट्टी की मौत हुई वो गोली इसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी और ये रिवॉल्वर आतिश जी के हाथ में थी। ये बात अभी अभी अतुल जी जो मेरे अहम गवाह है उन्होंने भी यही कहा है। इससे साफ साबित होता है कि आतिश जी ने ही खून किया है। मड़क साहब, आप ऑब्जेक्शन लेना चाहेंगे? ऑब्जेक्शन तो नहीं, प्रश्न पूछना चाहूंगा आपको। प्लीज। ये जो अपने कथन में आपने कहा कि उस रात जो घटना घटी आपने देखा, चश्मदीद गवाह है आप, तो घटनाक्रम का वर्णन करेंगे, जरा बताएंगे कैसे हुआ, कब हुआ? कुछ नहीं सर, आतिश को दारू देने से मना किया तो इन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। अच्छा। गोली चल गई सर इनके हाथ से। गोली चल गई इनके हाथ से अचानक ही, यूं ही चल, मतलब चला दी इन्होंने? इन्होंने चलाई जी सर। अच्छा अच्छा, तो कितनी गोलियां चली थी उस रात? तीन गोलियां चली थी। पहली गोली कहाँ लगी? पहली गोली लगी बॉटल में। कौन से बॉटल में, कहाँ थी? मतलब जो पीछे की तरफ लगी होती है ना लाइन से, तो उनमें से एक बॉटल पे लगी जो बार में जी, बोतल लगी रहती है। दूसरी गोली कहाँ लगी? वो लगी। और तीसरी गोली कहाँ लगी? तीसरी गोली शेट्टी साहब को लगी। देखा आपने उनको गोली लगते हुए? मतलब आपने उनको गोली लगते हुए देखा? तीन गोलियां चली, एक बॉटल में लगी, एक दीवार में लगी, तो तीसरी जाहिर सी बात है शेट्टी साहब को लगी सर। ये अनुमान है आपका कि तीसरी गोली अनुमान है, क्योंकि देखा नहीं आपने? एक मिनट। अब क्यों आप उल्टे पुल्टे सवाल पूछ के क्यों गुमराह कर रहे हैं उसको, कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं आप? साबित क्या करना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। समझा तो ये क्या कर रहे हैं? ये योर ऑनर, ये दूसरे प्रोसिक्यूटर को मार रहे हैं, मतलब नहीं, ये गलत बात। मैं आपको मार नहीं रहा हूं। मार, मैं समझा रहा हूँ। क्या ऐसे समझाता है कोई? मैं समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। इसमें यहाँ रख। योर ऑनर, कृपया बत्ती बुझाने का आदेश दीजिए। अदालत में थोड़ी देर के लिए लाइट्स ऑफ की जाए। अदालत की बत्तियां जला दी जाए। तो बताइए जयसवाल साहब, वो जो छड़ी, वो डंडा कहाँ था, कहाँ है? तो क्या यहाँ पे तो है? हाँ, लेकिन वहाँ नहीं है, वो अभी जज साहब की मेज पर है। जज साहब, डंडा आप? ऑर्डर, आपके पास डंडा कैसे पहुंचा? हाँ, समझ गया। मैं पाठक साहब, मैं इतना ना समझ नहीं हूँ, मुझे पता है ये सब आप ही ने किया है। अंधेरे का फायदा उठा के ये डंडा यहाँ से वहाँ, वो जज साहब की मेज पे रख दिया आपने। मन की बात कह दी, अंधेरे का फायदा उठाकर मैंने डंडा यहाँ से वहाँ कर दिया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से 1 अप्रैल को हत्यारे ने अंधेरे का फायदा उठा कर गोली चलाई थी। क्या नहीं, मतलब क्या साबित क्या करना चाहते हैं? ये साबित करना चाहता हूँ जयसवाल साहब, योर ऑनर, की जयसवाल साहब इस केस की शुरुआत से कह रहे हैं कि इस केस में 10 चश्मदीद गवाह हैं। वास्तव में एक भी चश्मदीद गवाह नहीं है योर ऑनर। चश्मदीद गवाह वो होता है जो हत्या होते हुए देखता है। इस केस में अंधेरे के कारण किसी ने हत्या होते हुए नहीं देखा। योर ऑनर, वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने आतिश को वो तीसरी गोली चलाते हुए नहीं देखा जिस गोली से मैनेजर शेट्टी की हत्या की। क्या मजा आ गया। पाठक साहब, लाइट जाने से पहले और लाइट आने तक ये जो रिवॉल्वर है ना, वो आतिश के हाथ में ही थी। योर ऑनर, आतिश ने अपने कथन में कहा है कि जैसे ही अंधकार हुआ किसी व्यक्ति ने उनके हाथों से ये पिस्तौल छीन ली। नहीं, कहने में क्या, कह तो रहे हैं ये कि उन्होंने खून भी नहीं किया, निर्दोष है, लेकिन साबित भी तो करना पड़ेगा ना सर।
योर ऑनर, लाइट जाने से पहले दो गोलियां चला चुके थे आतिश जी, उसकी वजह से लोग दूर हो चुके थे। लाइट जाने के बाद अंधेरे में, जैसे कि आपका ये कहना है कि कुछ दिखता नहीं है, जैसे कि आपने डंडा यहाँ से वहाँ कर दिया मुझे दिखा नहीं, ठीक वैसे ही अगर आपके कहने के मुताबिक खूनी ने फायदा उठाया होगा तो योर ऑनर जब ये लड़ खड़ा रहे थे तो पता नहीं था एग्जैक्टली कौन सी सिचुएशन पे थे, कौन सी पोजीशन पे थे, तो खूनी कहाँ से आतिश को देख पाया, कहाँ से वो आया, उसके हाथ में से रिवॉल्वर छीनी, और वो मैनेजर जब बीच में आया था वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर वो अंधेरे में उसके हाथ में वापस, मतलब ये कहना है या सुनेंगे भी? सुनूंगा भी। प्रश्न का उत्तर दीजिए। दूंगा। फोरेंसिक्स के अनुसार जो पहली दो गोलियां आतिश ने चलाई वो 12 फीट की दूरी से चली थी, अर्थात आतिश 12 फीट दूर खड़ा था, किंतु आखिरी अंतिम तीसरी गोली जिससे मैनेजर शेट्टी की हत्या हुई वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई थी, अर्थात बिल्कुल निकट से, समीप से। अब प्रश्न ये है कि 12 फीट दूर खड़ा हुआ व्यक्ति पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली कैसे चला सकता है? योर ऑनर, 12 फीट की दूरी से गोली चलाई गई हो या पॉइंट ब्लैंक रेंज से, लेकिन हकीकत तो यही है कि इसी रिवॉल्वर पे आतिश जी की उंगलियों के निशान है, और फॉरेंसिक का ही कहना है पाठक साहब कि इसी रिवॉल्वर से मिस्टर शेट्टी की हत्या हुई है। ये भी तो हो सकता है कि इन्होंने जब 12 फीट की दूरी पे थे वो नजदीक गए, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गए, गोली चलाई और वापस पीछे आ गए 12 फीट की दूरी पर, ऐसा हो सकता है? जसवाल साहब, आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप वाकई इतने नासमझ हैं या नासमझ होने का ढोंग करते हैं? क्योंकि इतना नासमझ तो कोई नहीं हो सकता। देखिए, जो हो सकता था और जो हुआ, दोनों बातों में अंतर है। अब जो हो सकता था उसको भूल जाइए और जो हुआ उस पर ध्यान दीजिए। हुआ ये कि मैनेजर शेट्टी की हत्या इन्होंने की है अतुल जी। नहीं मारा सर, किसी को नहीं मारा मैंने। अरे तुम ही ने मारा है। पाठक सर, जी, बिना वजह एक बेकसूर इंसान पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं नहीं, बिना वजह, बिना किसी कारण के नहीं। कारण ये है कि जब घोर अंधेरा हुआ वहाँ पर घटना स्थल पर, सबसे निकट यही थे। करीब था सर, मगर मैं उन्हें क्यों मारूंगा सर? क्योंकि आप बदले की भावना रखते थे उनके लिए। वो हमें बहुत प्यार करते थे सर। प्यार करते थे, आदर सम्मान, तो क्यों आदर सम्मान करते थे आप उनका? उन्होंने 3 साल से आपको प्रमोशन नहीं दिया था, वेतन नहीं बढ़ाई थी, इस कारण से? या सबके सामने वो आपको गाली गलौच किया करते थे आपके साथ इसलिए? या फिर कभी कभार आपको सबके सामने वो हाथ भी उठाते थे, तमाचा मारते थे इसलिए? क्यों क्यों इतना आदर सम्मान करते थे? वो मालिक थे। मालिक तो कभी भी किसी को कुछ भी कह सकता है, लेकिन सर हमारे दिल में उनके लिए कभी कोई बुराई नहीं थी। बुराई भी थी और हीन भावना भी थी, इसलिए आपने मैनेजर शेट्टी को मारने का षड्यंत्र रचा, और 1 अप्रैल को जब आपको अवसर मिला आपने उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आप शहर छोड़कर गांव भागने वाले थे, कोर्ट का समन्स आया तो ये रुक गए जताने के लिए कि हत्या आपने नहीं की। सर मैं कुछ पर्सनल काम से जा रहा था। सर आप काम से नहीं जाने वाले थे, आप मैनेजर शेट्टी की हत्या करके जाने वाले थे, ऐसा? हाँ, ऐसा सुना है मैंने। कौन बोला सर आपको ये? ये आपके बंधु ने बताई मुझे। आपकी सारी सच्चाई इसी ने बताई। सर क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? आप सोचिए अतुल जी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? इसने आपके बारे में सब कुछ बताया, ये भी बताया कि आप दोनों एक साथ में उस पब में काम करना शुरू किए, इनकी तरक्की हो गई, ये बारटेंडर बन गए, आप वेटर के वेटर, कहा था कि नहीं आपने मुझे? सर ये क्या सच्चाई बताएगा मेरी? बताई है इसने। ये क्या बताएगा सर मेरे बारे में सच्चाई? क्यों? ये अपनी बीवी का इस्तेमाल करता है अपनी तरक्की के लिए, ये मेरी क्या सच्चाई बताएगा? औकात पर है, समझा? तू आते औकात पर है। चमचा, अभी तक तो मैंने सच नहीं बताया था, लेकिन अब बताता हूँ, ये मैनेजर को मारना चाहता था। मैं मारना चाहता था कि तू मारना चाहता था? क्यों, तूने नहीं बोला था मैनेजर की गर्दन काट के गांव भाग जाना चाहता है? मैं चुप कर, भीड़ का दलाल। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। हाँ
शांत हो जाइए अतुल जी। सॉरी सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं। ये बताइए कि ये जो झड़प के बीच में आपने कहा था कि कार्तिक ने ही मैनेजर शेट्टी की हत्या की, क्यों 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 लगा आपको ऐसा? लगा क्या सर, इसी ने मारा है उसको। आपकी रिपोर्ट एकदम सही है, गोली एकदम पास से चली है सर, उस दिन मैनेजर के पास यही खड़ा था। और रिवॉल्वर पे इसकी उंगली के निशान ना होने का कारण सिर्फ यही है कि इसने वो हाथ में वो क्या बोलते हैं सर, दस्ताने, ग्लव्स, वो पहने थे, वो पहने हुए थे। क्या लगता है आपको, क्या क्या कारण रहा होगा जिस कारण इन्होंने हत्या की होगी शेट्टी साहब? सर, कार्तिक की बीवी मालिनी हमारे होटल में वेटर है, तो मैनेजर और मालिनी के बीच में अफेयर था सर, ये बात होटल में सबको पता है। बस बैठिए आप, उन्हीं से पूछते। थैंक यू सर। देखिए कार्तिक जी, ये जो बात यहाँ खुली है अदालत में, क्षमा चाहता हूँ उसकी। स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए मेरे मन में बहुत आदर है, इस कारण मैं आपकी पत्नी को यहाँ अदालत में नहीं घसीटना चाहता। कृपया जो भी जो सच है बता दीजिए ना न्यायाधीश महोदय को, आप खुद ही स्वयं। सर, मेरी बीवी गलत नहीं है, गलत था वो शेट्टी। मेरी बीवी पे गलत नजर रखता था सर वो। सर ये? सर, मुझे 2000 रुपये एडवांस में चाहिए। हर महीने तुम्हें 2000 रुपये चाहिए। सर, बच्चों के स्कूल फीस के लिए चाहिए थे। मलिनी, मैंने तुम्हारे कहने पे तुम्हारे पति को नौकरी पे रखा, तो वेटर से बारटेंडर बनाया, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? सर, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, और आप हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। आप जो चाहते वैसा कुछ नहीं होगा। तो तुम, तुम्हारा पति दूसरी नौकरी ढूंढ लो। मैं मानता हूँ सर, उसने हमें तरक्की गंदे इरादे से दी, मैं बहुत नफरत करता था सर उसे, पर मैंने नहीं मारा उसे सर, नहीं मारा मैंने उसे। किसने मारा ये तो समय अनुसार पता चल जाएगा। आप बैठिए। योर ऑनर, इस समय पर मैं मिस्टर महेश शिंदे को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। महेश शिंदे आए, आप देखते हो योर ऑनर, महेश शिंदे का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है योर ऑनर, मिस्टर महेश शिंदे विरोधी दल के नेता हैं, मिस्टर पाटिल के प्रतिद्वंदी हैं, और दोनों के बीच व्यक्तिगत बैर न हो किंतु राजनीतिक लड़ाई अवश्य है, और मिस्टर शिंदे का घटनास्थल पर उपस्थित होना मेरे मन में प्रश्न खड़ा करता है यार, जिसका उत्तर अगर वो कटघरे में आकर दे तो अच्छा होगा। मिस्टर महेश शिंदे को बुलाने की इजाजत है। शिंदे साहब, आप तो विरोधी दल के वरिष्ठ नेता हैं, आप जैसा व्यक्ति वहां हत्या के समय डेफोडिल्स बार में क्या कर रहा था? लीडर इंसान नहीं होते केडी? लीडर इंसान नहीं होते केडी, ये आप प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे या कथन दे रहे हैं? मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। ओके। मैं एक इंसान हूँ जो उस दिन किसी से मिलने के लिए वहां गया था। हाँ, वैसे जो प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी क्रम था उसमें आपका नाम नहीं था, आई विटनेस लिस्ट में आपका नाम नहीं था, क्यों ऐसा? जैसा मैं पब से तभी निकल गया था जब आतिश और गौरांग पब में घुस रहे थे। पुष्टि कर लेते हैं इस बात की। आतिश, क्या शिंदे साहब सही कह रहे हैं, आपने इन्हें वहां से प्रस्थान करते हुए देखा था? जी हाँ सर, ये उस वक्त वहां से वापस जा रहे थे। श्योर सर। क्षमा चाहता हूँ शिंदे साहब, अगर ऐसा है तो आपसे आगे कुछ पूछने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। बिराजी। योर ऑनर। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मैं केडी से कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देना चाहता हूँ। इजाजत है। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में? योर ऑनर, अभी अभी मेरे हाथ में विद्युत विभाग की एक सूची आई है जो इस केस का रुख बदल कर रह देगी। इसके अनुसार 1 अप्रैल को जिस रात हत्या हुई उस इलाके में कोई विद्युत विफलता नहीं थी, कोई पावर फेलियर नहीं हुआ। योर ऑनर, इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है
कि किसी ने जानबूझकर बत्ती गुल की थी। Excuse me, Your Honor, लेकिन पाठक साहब, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं समझे। जब तक आप समझाएंगे नहीं तब तक। देखिए, सामान्य ज्ञान के अनुसार अगर इलाके में बत्ती न गई हो और एक ही स्थान पर बत्ती गई हो, उसी स्थान पर जहां हत्या हुई हो, तो 2+2=4। इसका अर्थ यह होता है कि जिसने भी बत्ती गुल की, उसका इस हत्या के साथ या तो सीधा सीधा या घूमकर जुड़ाव अवश्य है। Your Honor, ये व्यक्ति कौन है और किस प्रकार से सत्या के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी छानबीन करने के लिए मैं अदालत से समय की मांग करता हूँ। नहीं Your Honor, मतलब केस को केस की अगली सुनवाई 25 तारीख को होगी, तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। जब कोई व्यक्ति हर बार निशाना सही जगह पर नहीं लगा सकता तो शराब के नशे में चूर पूर्ण अंधकार में कोई निशाना सही जगह पर कैसे लगा सकता है? लेकिन सर, आपको निशाना सही लगाना होगा। खबर मिली है कि जायसवाल इस केस को जीतने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहा है। जायसवाल केस जीतने की कोशिश कर रहा है, हमें सत्य तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप बताइए सर, क्या करना? मुझे लगता है कि इस केस का रहस्य डैफोडिल्स पब में कहीं छिपा है। तो एक काम कर, आतिश और दिग्विजय पाटिल के बारे में, उनके अतीत के बारे में हर जानकारी प्राप्त कर, वहीं से कोई ना कोई सुराग मिलेगा। ठीक है सर। हेलो। तुझे मना किया था ना आतिश का केस लेने से। मरने का शौक है क्या तुझे? बहुत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। ये शेर तुझे बहुत महंगा पड़ेगा केडी। अब शेर ही क्या जो हल्का हो। एक बात और सुन लीजिए, अगर आतिश निर्दोष है तो मेरे होते हुए ऐसी कोई अदालत नहीं दुनिया में जो उसे दोषी साबित करे। अच्छा, तो अपने दिन गिनने शुरू कर दे। ओके, 1-2। सबको नहीं है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। डॉक्टर वेणुगोपाल, आपकी सर्जरी में संसद। डॉक्टर प्रकाश, यू आर वांटेड एट द कैजुअल्टी वार्ड अर्जेंटली। रेडी, जल्दी करो। आज की ताजा खबर, केडी पाठक को गोली लग गई। आज की ताजा खबर, केडी पाठक को गोली लग गई।
क्या हुआ है। इस हमले की वजह दिग्विजय पाटिल के बेटे आतिश हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में इस नस उलझने वाले केस पर केडी पाठक ने एक नए रूप से रोशनी डाली है। केडी पर हमला करने वाले वो लोग हो सकते हैं जो कि ये नहीं चाहते कि आतिश पाटिल कार्तिक मर्डर केस से बरी हो। मिस्टर केडी पाठक का ऑपरेशन पिछले 5 घंटों से चल रहा है, उनकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगले 24 घंटे तक कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। केडी पाठक पर ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। हेलो। अरे एक मामूली सा काम नहीं होता तो सही। अरे मैंने उसको बराबर गोली मारा सीने पे, साला बच गया। किस्मत अच्छी थी उसकी। अरे कोशिश करने के पैसे दिए थे क्या तुझे? अरे केडी बच गया तो क्या हुआ, हालत देखिए उसकी कितनी खराब है। देखो केस का फैसला होने से पहले वो कोर्ट जा नहीं पाएगा। अरे तू जानता नहीं है केडी को, कुछ भी कर सकता है वो। चल एक काम कर, अब कुछ दिनों तक घर से बाहर मत निकल। समझ गया। केडी को होश आ गया। थैंक गॉड। क्या हम केडी सर से मिल सकते हैं? आप लोग मिल सकते हैं। सर थैंक गॉड आप ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स वरुण, क्या कर रहा है? गोली लगी है, इमोशनल हो गया है तुम्हें। गोली से नहीं मरा तो प्यार से मार देगा। आई एम सॉरी सर। मैं ठीक हूँ वरुण, लगता है पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय लगेगा। केडी तुम्हें किस पर शक है? कौन हो सकता है जिसने तुम पर हमला किया? पता नहीं यार, किन्ना धमकी भरे कॉल आ रहे थे कि मैं आतिश का केस छोड़ दूं, इसलिए मुझे लग रहा है कि जिसने भी मुझ पर गोली चलवाई उसका संबंध तो अवश्य है आतिश के केस के साथ। सर कल आतिश के केस की पेशी है, अगर आप कहें तो मैं दिग्विजय जी से कह दूं कि वो कोई दूसरा वकील। सोचने वाली बात है, तो एक काम करो रुण। मिस्टर आतिश, जब आप जानते हैं कि मिस्टर केडी अस्पताल में भर्ती हैं, तो आपने अपना केस लड़ने के लिए किसी दूसरे वकील को नियुक्त क्यों नहीं किया? योआना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा केस कोई और वकील लड़े, और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद भी है कि मिस्टर केडी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। उम्मीद के सहारे अदालत में केस नहीं लड़े जा सकते, मशवरा दे रहा हूँ आपको मैं आतिश जी। वैसे आज अदालत में आतिशबाजी जरूर होगी। Your Honor, आतिश जी ने इसी पिस्तौल से। डॉक्टर का कहना है कि केडी सर एक हफ्ते बाद ठीक हो जाएंगे, इसीलिए केडी सर ने अपील की है कि इस केस की सुनवाई एक हफ्ते बाद रखी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पाठक साहब के साथ जो हुआ मुझे बहुत गम है, उस बात का हमदर्दी भी है योर ऑनर, लेकिन भावनाओं की कोई जगह नहीं होती ना अदालत में। और वैसे भी ये जो केस है वो सुर्खियों में आया हुआ महत्वपूर्ण केस है, एक हफ्ते तक डिले करना मुझे लगता नहीं सही होगा। क्या पता पाठक साहब एक हफ्ते में ठीक ना हो, 2 हफ्ते भी लग जाए। और शायद योर ऑनर, मिस्टर जायसवाल, ये सच है कि इस केस की सुनवाई को एक हफ्ते के लिए बढ़ाना मुश्किल है, पर हर मुलजिम को एक मौका मिलना चाहिए अपनी सफाई पेश करने का। इसलिए मैं मुलजिम मिस्टर आतिश को 1 दिन की मोहलत देता हूं अपने लिए कोई दूसरा वकील नियुक्त करने के लिए। इस केस की अगली सुनवाई कल होगी, तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। सर कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि कल अदालत में आतिश पाटिल के केस पर सुनवाई होगी, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे जो भी कहना है अब अदालत में ही कहूंगा। सर आपको लगता है आप इस हालत में कोर्ट में जाकर केस लड़ सकेंगे? क्यों, मेरी हालत बिल्कुल ठीक है, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ,
और कल आतिश पाटिल को अदालत में बचाने के लिए मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। आप देख सकते हैं हम इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर केडी ने साफ शब्दों में कहा है कि वो अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और कल कोर्ट जाकर आतिश पाटिल के केस में जरूर हाजिर होंगे। इस खबर को सुनकर आतिश पाटिल और दिग्विजय पाटिल को जरूर राहत मिली होगी, पर हमलावर जरूर सदमे में होगा, क्योंकि एक बात तो तय है कि हमला करने वाला ये नहीं चाहता कि केडी आतिश का केस लड़े, जो कि अब कल केडी ही लड़ेगा। कैमरामैन नितिन के साथ अंजलि छाबड़िया, एसके न्यूज। मुझे नहीं लगता इससे कोई लाभ होगा। जहां तक मेरा ज्ञान है, इस पिस्तौल में सिर्फ 6 ही गोलियां आती हैं। वो तो चला चुके ना। ए, बेटा, तू रुक गया। बाहर क्या हो रहा है? अरे खुलिया गन केडी, तुम्हारा सब खुल गया केडी, ये सब क्या है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? एक शूटर केडी से को मारने आया था, गोलियां चलाकर भाग गया। शूटर आया था? अच्छा, इसलिए तुमने प्रेस में झूठा बयान दिया कि तुम अदालत जाकर केस लड़ने वाले हो, ताकि शूटर तुम पर हमला करे और पकड़ा जाए, राइट? नहीं कृष्णकांत, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं कल अदालत जाने वाला हूँ। केडी भूल जाओ वो सब, तुम्हें खतरे से बाहर आए हुए अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है और तुम केस लड़ने की बात कर रहे हो? ठीक से 10 मिनट खड़े भी नहीं रह सकते? तुम्हारे शरीर से इतना खून बह चुका है, और फिर मैं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं हूँ, तुम्हारा दोस्त भी हूँ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, बस। कृष्णकांत, तुम जानते हो ना, मेरा मुवक्किल निर्दोष है, उसे बचाना मेरा कर्तव्य है, मेरा जाना जरूरी है। केडी, तुम्हारे जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं इस कमरे से बाहर 2 गार्ड खड़े कर रहा हूं, वो पल पल की खबर मुझे देते रहेंगे। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, बस। नर्स, नर्स, डोंट बिलीव दिस। सॉरी केडी, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ऑन द स्पॉट मर गया।
पता लगवा कौन था। कोई सुराग मिला उसकी बॉडी में से? हाँ, एक मोबाइल मिला है। चलो पर घड़ी देखने से समय ही बदलेगा नहीं, बुरा वक्त शुरू हो गया है आपका। क्या हुआ कि दूसरा वकील नियुक्त किया आपने या मैं मदद कर लूं? जयसवाल साहब, शायद आपने आज की न्यूज पढ़ी नहीं है। केडी साहब टाइम पे पहुंच जाएंगे, समझे? टाइम तो हो चुका है। फाटक साहब कहाँ है? फाटक साहब नहीं आने वाले। लो भाई केस पेपर दो मुझे। अरे दूसरी एक बात दिग्विजय जी, कल की न्यूज आप पढ़ लीजिए, आपके बेटे आतिश को फांसी की सजा। मिस्टर आतिश, कौन है आपके डिफेंस लॉयर? योर ऑनर, आई एम सो सॉरी, हमने कोई नया वकील नहीं किया। मिस्टर आतिश, कल आपको साफ शब्दों में कहा गया था कि अगर मिस्टर पाठक आपका केस नहीं लड़ रहे हैं तो आप अपने लिए किसी दूसरे वकील का इंतजाम कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है सर, कीडी आज जरूर आएंगी। योर ऑनर, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है आतिश जी ने इस अदालत को एक वेटिंग रूम बना के रखा। इंतजार करते रहो कीडी पाठक का, वक्त बर्बाद हो। मैं आग्रह पूर्वक आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें और वेट नहीं करना चाहिए कीडी पाठक का। अगर कोई दूसरा वकील है तो ठीक है, वरना योर ऑनर प्लीज आप नतीजा सुना दीजिए। कैसी तबीयत आपकी? योर ऑनर, देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है। माफ कीजिएगा पाठक साहब, आप दुरुस्त नहीं आए, सिर्फ देर से। और योर ऑनर, देर से इस अदालत में आना नियमों के विरुद्ध। मैं मानता हूँ कि अदालत में देर से आना नियमों के विरुद्ध है, लेकिन गलत फैसला सुनाना नियमों के उल्लंघन से ज्यादा शर्मनाक बात होगी, इसलिए अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। न्यायाधीश महोदय की बात दुरुस्त है। योर ऑनर, मेरे देर से आने का कारण ये है कि मुझ पर गोलियां चलाई। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, लेकिन शायद याद दिला दूं मैं पाठक साहब आपको कि यहाँ पे केस चल रहा है आतिश पे, खून के इल्जाम का। आप पे किसने गोलियां चलाई वो बाद में हम बात। मुझ पर गोलियां चली है इसका सीधा साधा संबंध आतिश के केस के साथ है। अगर मैं अदालत में ये साबित कर दूं तो, अगर आप अवसर दें तो साबित करना चाहूँगा। योर ऑनर, एक ऐसा व्यक्ति जिसका मुझ पर चली हुई गोलियां और आतिश पर चल रहे केस और दोनों बातों से गहरा संबंध है, मिस्टर दिग्विजय पाटिल के पीए मिस्टर अश्विन जोशी। हाँ तो सॉरी अश्विन जोशी साहब, ये कितने वर्ष हो गए आपको दिग्विजय पाटिल साहब के साथ? पिछले 10 साल से। ऐसी? और उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं उनके बड़े भाई साहब श्री सूरज पाटिल साहब का पीए था। सूरज पाटिल जी? गौरांग के पिता जी। उनके देहांत के बाद जब मिस्टर दिग्विजय पाटिल हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बने तो मैं उनका पीए बन गया। लोगों का कहना है कि आप न केवल पाटिल साहब के सबसे निकट के व्यक्ति हैं, आप उनके सलाहकार भी हैं। जी। समझ भी नहीं आ रहा है योर ऑनर के पाठक साहब जोशी जी का बायोडेटा क्यों पेश कर रहे हैं आप? ये जानने के लिए योर ऑनर, की क्या कारण है कि जोशी साहब नहीं चाहते कि इस केस से आतिश बरी हो? देखिए केडी साहब, ये गोलमोल बातें मेरी समझ में नहीं आती है। आपको जो भी कहना है पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूँ। आप दद्दू बालम नामक किसी व्यक्ति को पहचानते हैं, जानते हैं? जी नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ ये नाम। पहली बार आप ये नाम सुन रहे हैं? मैं बता दूं आपको कि दद्दू बालम वही व्यक्ति है जिसने मुझ पर जानलेवा हमला किया। क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? आप कर क्या सकते हैं वो बात की बात है, जो किया आपने
वो ये कि जब जब मुझे दद्दू ने फोन पर धमकी दी या मुझ पर जानलेवा हमला किया, उससे पहले और उसके बाद आपने अपने दूरभाष यंत्र पे दद्दू से बातचीत की, वार्तालाप की। देखिए सरासर झूठ बात है, गलत कह रहे हैं आप। झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देखते हैं कि आपकी ये जो दूरभाष यंत्र की सूची जो हमने निकलवाई है ये क्या कहती है। ये देखिए, ये मार्क किया हुआ है, ये आप ही का नंबर है ना। और ये देखिए, दद्दू बालम जी का नंबर। अब इससे पहले जोशी साहब कि मैं अदालत में ये प्रमाणित कर दूं कि आप ही ने मुझ पर जानलेवा हमला कराए और आप ही ने मैनेजर शेट्टी की हत्या करके उसके आरोप में आतिश को फंसाया, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बताइए कि आपने बेचारे मैनेजर शेट्टी को क्यों मारा? उसे नहीं मारा मैंने। अच्छा, विचित्र बात है, मुझी से भूल हो गई लगता है। मैंने सोचा कि आप नहीं चाहते थे कि मैं प्रमाणित करूं अदालत में कि आपने मैनेजर शेट्टी की हत्या की, इसलिए आपने मुझे मारना चाहा। मारना तो चाहता हूँ तुम्हें। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस आतिश को निर्दोष साबित करो और वो इस केस से छूटे। मैं चाहता हूं कि दिग्विजय पाटिल की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। धोखेबाज, अस्तिन के सांप, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। छोड़ छोड़ कर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ हाँ, हूँ धोखेबाज, हूँ अस्तिन का सांप। आपकी तरह सच्चाई और ईमानदारी का पुतला नहीं हूं मैं। क्या 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 किया आपने? क्या क्या आज तक मेरे लिए? ये हमारे शिंदे साहब आपकी वजह से छोड़कर गया पार्टी, आपकी ईमानदारी की वजह से। सिर्फ अपनी पार्टी और अपना बेटा यही दिखाई देते हैं आपको, हम में से कोई दिखाई नहीं देता आपको। जोशी साहब, जोश छोड़िए और शांत हो जाइए। ये बताइए कि ये बैर जो है आपके मन में दिग्विजय पटेल साहब के लिए, इसका कारण क्या है, क्यों है आपके मन में? दुश्मनी कोई नहीं थी सर, कोई बैर नहीं था। दस साल ईमानदारी से सेवा की थी, अपनी अकल से, अपनी सूझबूझ से इन्हें सलाह दी, जिसके बल पर आज ये मिनिस्टर बने। बदले में कुछ नहीं मांगा मैंने इनसे, सिर्फ एक बार एक छोटी सी चीज मांगी थी। पाटिल साहब, एक बात करनी थी आपसे। बोलो जोशी। हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, आप ये सोचे कि ये जोशी क्या बोल रहा है। अरे बात करो तो सही, फिर सोचेंगे। पाटिल साहब, मैं अपने क्षेत्र से MLA का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो अगर आप मुझे पार्टी का टिकट दिलवा दे तो। जोशी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था तुम चुनाव लड़ने में दिलचस्पी रखते हो। अब तरक्की की मंशा तो हर किसी के मन में होती है पाटिल साहब, अगर ये मंशा मेरे मन में भी है तो इसमें बुरा क्या है? बात बुरे की नहीं है, हर इंसान अलग कार्य के लिए बना है। अगर तुम चुनाव जीत भी जाओगे लेकिन क्षेत्र को संभाल नहीं पाओगे। अरे पाटिल साहब, लेकिन एक मौका तो दीजिए मुझे। बात मौके की नहीं है, क्षेत्र की जरूरत की है, और इस वक्त तुम्हारे सावंतवाड़ी क्षेत्र के लिए किसी युवा नेता की जरूरत है, समझे? मैं ये टिकट तुम्हें नहीं दिला पाऊंगा। जिस दिन से दिग्विजय साहब पार्टी में प्रेसिडेंट बनकर आए हैं, उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ उनका PA बनकर रहा हूं मैं। एक पैसे की तरक्की नहीं हुई है मेरी। और अगर आतिश पर यह हत्या का आरोप सिद्ध हो जाता तो आप MLA बन जाते। वो सब नहीं जानता मैं। पता है आपको, आप जानते थे कि आपको टिकट कैसे मिलने वाली है, क्योंकि बेचारे आतिश को फंसा कर कोई सीधा सीधा फायदा तो था नहीं आपका। किसी के कहने पर आपने मैनेजर शेट्टी की हत्या की है। देखिए केडी साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैनेजर शेट्टी को मैं नहीं जानता, मैंने उसे नहीं मारा। आप ही ने की है उसकी। ऑनर, जोर जबरदस्ती की जा रही है यहाँ पे जोशी जी पे इकबाल जुर्म करवाने के लिए। आया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्शन ओवर। योर ऑनर, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, कोई दबाव नहीं डाल। जोशी साहब के फोन की इस सूची से ये पता चलता है कि मैनेजर शेट्टी की हत्या के 15 मिनट पहले इन्होंने विरोधी दल के नेता
महेश शिंदे साहब को फोन किया था। यह सीधा सीधा संकेत है योर इस बात का कि मैनेजर शेट्टी की हत्या में जोशी और शिंदे दोनों का हाथ। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अरे केडी साहब, मैं आपसे कितनी बार कहूं, मैंने कोई खून नहीं किया। जरा ये अद्भुत बात लगी मुझे कि मैनेजर शेट्टी की हत्या के 15 मिनट पहले आपने विरोधी दल के नेता शिंदे साहब को फोन किया। अंततः क्या लेना देना है आपका शिंदे साहब के साथ? बताता हूं। क्या हुआ जोशी जी, टिकट देने से मना कर दिया ना? क्या बताऊं शिंदे साहब, पहली बार इतना ईमानदार आदमी देखा। अरे पाटिल साहब को अपने लोगों से ज्यादा अपनी पार्टी की पड़ी। भाई जोशी जी, राजनीति का पहला असूल है कि ना तो कोई किसी को टिकट देता है और ना ही कोई टिकट लेता है, बल्कि षड्यंत्र पूर्वक उसे छीना जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं, कैसे मिलेगा मुझे टिकट? गद्दार बनो, गद्दारी करो, दिग्विजय और उसके बेटे की पल पल की खबर मुझे देते रहो। लेकिन उससे क्या होगा? अरे यार, तुम रहोगे पीए के पीए ही। मैं दिग्विजय और उसके बेटे के खिलाफ ऐसी साजिश रचूंगा कि वो पब्लिक में बदनाम हो जाएंगे और उनका राजनीतिक कैरियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें बर्बाद करके मेरा क्या फायदा है? उनकी पार्टी कमजोर हो जाएगी और तुम मेरी पार्टी से चुनाव लड़ोगे। तुम गद्दे से मतलब रखो यार, कहां पार्टी के चक्कर पड़े रहते हो? और बस उस दिन से मैं शिंदे साहब को आतिश और दिग्विजय साहब की पल पल की खबर देने लगा। और कत्ल वाली रात को भी मैंने शिंदे साहब को फोन किया था। आपने इन्हें फोन ये बताने के लिए किया था कि आतिश डेफोडिल्स क्लब जा रहा है? अरे केडी साहब, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि इस मर्डर में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये मर्डर अगर किसी ने किया है तो शिंदे साहब ने किया है। ए जोशी, अपनी औकात में रह के बात कर। आप इनकी बात को सुनिए सर, आप जानते नहीं है कितने खतरनाक आदमी है। आप पर ये जो गोली चलवाई गई है ना, उस आदमी का नंबर भी इन्होंने दिया था मुझे। जोशी चुप। और ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। मैं भला किसी का मर्डर क्यों करूंगा? चुप हो जाओ जोशी, इतना रुको मैं। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, मैं मिस्टर महेश शिंदे को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। योर ऑनर, पाठक साहब पहले भी शिंदे जी को यहां पे कटघरे में बुला चुके हैं और आतिश खुद कह चुका है कि जब वो डेफोडिल्स पब में अंदर घुस रहा था तब उसने खुद शिंदे जी को पब से बाहर निकलते हुए देखा है। योर ऑनर, नए साक्ष्य की रोशनी में प्रश्न भी नए। ऑब्जेक्शन ओवररूल। शिंदे साहब, ऐसा कहा जाता है कि आप दिग्विजय पाटिल साहब के बड़े भाई सूरज पाटिल साहब के बहुत करीब थे, बहुत चहेते थे उनके। जी हाँ, वो मेरे राजनीतिक गुरु थे। जब दिग्विजय पाटिल साहब दल के प्रधान बने तो दल छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मैं इनके विचारों से खुश नहीं था। विचारों से खुश नहीं थे या इनकी ईमानदारी से खुश नहीं थे? क्या ये सत्य नहीं है कि जब इन्हें पता चला कि जनता में आपकी छवि मैली है तो इन्होंने आपको टिकट देने से इनकार कर दिया, यही कारण था कि आपने इनके साथ दुश्मनी कर ली? एक्सक्यूज मी पाठक साहब, क्यों पाठक साहब आवेश में आके किए गए एक साधारण मर्डर को आप राज नहीं? कोई हत्या साधारण नहीं होती मिस्टर जायसवाल, विशेषकर मैनेजर शेट्टी की हत्या या रोना, क्योंकि इस हत्या से आतिश पाटिल और दिग्विजय पाटिल का नाम मट्टी पलित हो जाता है और इसका सबसे अधिक लाभ शिंदे साहब। मान लीजिए कि अगर ये बात सही भी है तो क्या ये काफी नहीं है साबित करने के लिए शिंदे जी ने आतिश को फंसाया? अगर मैं ये साबित कर दूं कि शिंदे साहब का कथन कि ये डेफोडिल्स पब से हत्या के आधे घंटे पहले निकल गए थे ये वाक्य झूठ है तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि आप ही से सीखा है पाठक साहब कि बोलो मत, करो। करूं? चलिए बताइए कि जब आपने प्रस्थान किया डेफोडिल्स पब से तो किस प्रकार, अपनी ही अपने वाहन में गए थे आप, अपनी ही गाड़ी में? क्या मतलब? नहीं, तो ये है कि होता है कभी कभी कुछ खराबी आ जाती है गाड़ी में तो व्यक्ति टैक्सी, रिक्शा, बस, पैदल, साइकिल आदि सब कोई और वाहन का प्रयोग करता है, उपयोग करता है। आप कैसे गए थे?
ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी कार से गया था। तो फिर ऐसा कैसे हुआ शिंदे साहब कि आपकी गाड़ी हत्या के आधे घंटे बाद तक डैफोडिल्स पब के पार्किंग लॉट में ही खड़ी थी? सॉरी टू डिस्टर्ब यू पाठक साहब, लेकिन क्या आपने वो पार्किंग लॉट चेक किया था? नहीं मिस्टर जायसवाल, मैंने पार्किंग लॉट चेक नहीं किया, क्योंकि उस समय मैं डैफोडिल्स पब में उपस्थित नहीं था जिस समय हत्या हुई। किंतु मैंने उस पार्किंग लॉट का रजिस्टर सूची चेक की, जिसमें वाहन के आने और जाने का समय दर्ज किया जाता है, और उस रजिस्टर के अनुसार शिंदे साहब की गाड़ी हत्या के आधे घंटे बाद पार्किंग लॉट से निकली। तो बताइए शिंदे साहब, आपके कथन के अनुसार आप हत्या के आधे घंटे पहले ही वहां से निकल गए थे, तो हत्या के आधे घंटे बाद तक आपकी गाड़ी पार्किंग लॉट में क्या कर रहे हैं? अब याद आया नेताजी, बताइए। जज साहब, एक्चुअली मैं मेरी कार में बैठने जा ही रहा था कि मेरे पार्टी का एक कार्यकर्ता मिस्टर मजुमदार वहाँ मेरे पास आ गए, और वो मुझे पार्टी के सिलसिले में कुछ बातें करने लग गया। हम वहीं जो कार पार्किंग है वहीं पे खड़े होकर के एक घंटे तक बातचीत करते रहे। इतने बड़े मंत्री होकर पार्किंग लॉट में अपने कार्यकर्ता से बातचीत करते रहे? पार्टी का मामला जी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कहानी बुन रहे हैं? जी ये कहानी नहीं है। आप चाहें तो मैं मजुमदार को यहाँ अदालत में बुला सकता हूँ, जो ये बयान दे सकता है कि मैं उनके साथ एक घंटे तक वहाँ चर्चा कर रहा था। सॉरी एक और बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। और मानना पड़ेगा कि आप काफ़ी बेहतर आजमा रहे हैं, ऐसी तबीयत के बावजूद भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन साबित नहीं कर पाए सर आप कि आतिश के अलावा किसी और ने फोन किया। मुझे लगता है योर ऑनर, अदालत का वक्त बर्बाद किया जा रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फैसला सुना दीजिए। मिस्टर पाठक, कोई और सबूत पेश कीजिए। आपके सबूतों से यह साबित नहीं हो पा रहा है कि खूनी आतिश नहीं कोई और है। अगर आपके पास सबूत हैं तो ठीक, वरना यह अदालत अपना फैसला सुनाएगी। योर ऑनर, यह केस अभी मुझे काफी हद तक सुलझा हुआ लग रहा है। क्या बात, पाठक साहब मुझे भी बता दीजिए ना, तो मेरी भी जो उलझन है वो सुलझ जाए। नहीं, आपकी उलझन दूर करने, आपको समझाने ही तो मैं अदालत आता हूँ जायसवाल साहब। योर ऑनर, मेरे पीछे जो महिला खड़ी है इंस्पेक्टर दिवे के साथ, इनका नाम मिस पिंकी सुरवे है। ये दिग्विजय पाटिल साहब के दल की कार्यकर्ता है। कई दिनों से हम इन्हें खोजने का प्रयास कर रहे थे किंतु असफल रहे। उसका कारण ये है कि ये फरार थी। नहीं, मेरी केस स्टडी की बात। केस स्टडी के हिसाब से उस रात डैफोडिल पब में 1 अप्रैल को इस नामक कोई व्यक्ति थी ही नहीं। नहीं, जसवाल साहब, अंधेरा था। अंधेरे में कौन आया कौन गया इसका वर्णन तो आपकी केस स्टडी में अवश्य नहीं होगा, किंतु रजिस्टर के अनुसार मिस पिंकी सुरवे वहां रात को 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक उपस्थित थी। 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक उपस्थित थी, 50 लोग और भी उपस्थित थे, तो क्या सभी ने 50 लोगों में से कुछ लोग आतिश के लिए अपने मन में बैर रखते हैं? योर ऑनर, उनमें से एक मिस पिंकी सुरवे है। मिस पिंकी सुरवे को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहिए। अनुमति है तो मिस सुरवे, बताइए कि आपने दिग्विजय जी की पार्टी क्यों छोड़ दी थी? दिग्विजय जी की पार्टी में रहकर काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। ऐसी मन नहीं कर रहा था या कोई और कारण था? क्योंकि दिग्विजय जी ने बोला है कि सबके सामने सबको बोलकर सबकी सहमति लेकर उन्होंने आपको पार्टी से बेदखल किया। उनके बोलने से क्या होता है, वो कोई भगवान है, जो वो बोलेंगे वही सच होगा। मैंने अपनी खुशी से पार्टी छोड़ी थी। खुशी से छोड़ी थी तो फिर आपने वो रिपोर्टर, क्या नाम था, मुंशी रिपोर्टर को आपने अपने कथन में कहा था कि आतिश जी आपको पार्टी में बड़ा पद दिलवाने का लालच देकर आपके साथ बदसलूकी कर रहे थे, आपका अपमान कर रहे थे, और आपने जब अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो आपको पार्टी से निकाल दिया गया, ऐसा कहा था। अब वो बात सच है जो आपने रिपोर्टर से कही थी या ये बात सच है जो आप मुझसे कह रही? हाँ, ये सच है कि आतिश ने कई बार मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। हाँ, और इसी कारण आपके मन में आतिश जी के लिए बैर पैदा हो। चलो, हुआ तो हुआ, ये बताइए कि आपने मैनेजर शेट्टी की हत्या करने की योजना कैसे रची?
रची तो रची, लेकिन हत्या के बाद आप फरार हो गई, शहर से ओझल हो गई, लापता हो गई। यहाँ तक कि समन्स भेजने के बाद भी आप पिछली पेशी में उपस्थित नहीं हुई। चलिए, नहीं हुई तो नहीं हुई, ये बता दीजिए कि डैफोडिल्स पब से जुड़ा हुआ जो होटल है वहाँ आप दाखिल हो गई, प्रवेश कर लिया आपने, लेकिन कहीं आपके नाम की कोई नौद नहीं हुई, जिक्र नहीं हुआ, आपको किसी ने देखा नहीं, ये कैसे संभव हो गया? मुझे क्या पता कि किसी ने मुझे वहाँ क्यों और कैसे नहीं देखा। मैं बताऊँ? देखिए, आपने पहले ये योजना रची, आपने कार्तिक से कहा कि चाहे जो हो जाए आतिश को दारू नहीं देना। आप जानती थी कि आतिश अपने साथ अपना रिवॉल्वर रखता है, आप जानती थी कि जैसे ही कार्तिक शराब देने से मना करेगा आतिश अपने रिवॉल्वर का उपयोग करेगा, आप जानती थी कि ऐसा होगा। आपने किसी और व्यक्ति को नियुक्त किया था जो उसी समय बिजली काटने वाला था, वहां अंधेरा करने वाला था, और जैसे ही वहां अंधेरा हुआ आप घुसी और आपने आतिश के रिवॉल्वर द्वारा मैनेजर शेट्टी पर गोली चलाकर उसकी हत्या की। क्योंकि मैं वहाँ पर थी नहीं। आप वहाँ नहीं थी तो कहाँ थी? मैं ऊपर होटल में कमरे में थी। आप होटल के रूम में थी, इस बात का कोई सबूत है, कोई साक्ष्य है, कोई गवाह है? कैसे साबित करेंगे कि आप होटल के रूम में थी, डैफोडिल्स पब में नहीं थी उस समय? मेरे साथ उस वक्त होटल के कमरे में मिस्टर महेश शिंदे मौजूद थे। दस्ताब ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है लड़की। माँ कसम मैं वहाँ नहीं था। से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, आप विस्तार में बताइए क्या हुआ था उसे? सर, मेरा मतलब सिर्फ टिकट पाना था, किसी का मर्डर करना नहीं। मैं जानता हूं मिस सुरे कि आप किसी की हत्या करने का उद्देश्य नहीं था आपका, आपने किसी की हत्या की नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि उस रात आप पब में नहीं, होटल के कमरे में ही थी। सिर्फ ये जानना चाहता था कि किसके साथ आप थी, दबाव डाला। अब केवल ये जानना बाकी है योर ऑनर कि ये उस कमरे में पहुंची कैसे, और ये जानने के लिए मैं मिस्टर महेश शिंदे को एक बार फिर कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है? हाँ। तो मिस्टर शिंदे, वो जो कार्यकर्ता जिसके साथ भेंट हुई थी आपकी पार्किंग लॉट में, वो मिस्टर मजूमदार नहीं, मिस सुरवे थी। जब इन सब बातों का पता चली गया तो हाँ, ये सच है। और इस सच्चाई के पीछे छिपा हुआ बड़ा सच, वो भी तो जानना बाकी है, ये प्रमाणित करना बाकी है अदालत में कि आपने ही मैनेजर शेट्टी की हत्या। Excuse me, Your Honor, जब ये साबित हो चुका है कि शिंदे साहब ऊपर कमरे में थे, मतलब जब खून हुआ तब वहाँ पे वो नीचे थे ही नहीं, तो फिर ये शक करने का और ये जो सवाल पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके इस प्रश्न के पीछे जो सच्चाई छिपी है वो सुन लेंगे तो आपकी उलझन पूरी पूरी दूर हो जाएगी। सुनिए Your Honor, हुआ कुछ ऐसा था, शिंदे साहब ने अपने कथन में कहा कि ये आधा घंटा पहले डैफोडिल्स पब से निकल गए, सत्य वचन। लेकिन इन्हें फोन आया था पाटिल साहब के पीए जोशी का, जिन्होंने इन्हें बताया कि आतिश डैफोडिल्स पब जा रहा है। उसी समय इन्होंने ये योजना बनाई, इन्होंने मिस पिंकी सुरवे को वहां बुलाया। जज साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप ही ने बुलाया, आप ही ने पिंकी सुरवे को वहां बुलाया था। केवल इतना ही नहीं, पिंकी सुरवे के नाम पर होटल का कमरा भी आप ही ने बुक कराया था, ताकि जब हम रजिस्टर देखें और हमारा संदेह पिंकी सुरवे की तरफ जाए तो पिंकी सुरवे अदालत में खड़े होकर कहे कि आप उस रात उसके साथ थे, कहीं और नहीं थे। हाँ, पक्का आ रहा ना? देख, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब मैं तेरे को थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। पिंकी, पिंकी कैसी है? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सर? हम ठीक हैं भाई। पिंकी, क्या बात है, आपके काफी समय से दीदार नहीं। लेकिन आपने बुलाया तो हम आ भी तो गए ना। अरे, हम तो आपको रोज ही याद करते हैं। अच्छा पिंकी, हाँ, अब की बार तेरे को टिकट जरूर मिलेगा, इस बात का भरोसा रखिए हम पे। तो ठीक है, फिर हम आपको भी नाराज नहीं करेंगे। अरे पिंकी, इधर कमरा है, आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है। किंतु पिंकी के साथ होटल के कमरे में जाने से पहले आपने वेटर को पैसे दिए और कहा कि चाहे जितना जोर लगा ले आतिश, आतिश को दारू वो न दे, क्योंकि आप जानते थे कि ये सर फिरा है, दारू न मिलने पर ये अपने हथियार का उपयोग जरूर करेगा। और जिस व्यक्ति को आपने बिजली बुझाने के पैसे दिए थे वो रहा।
आदमी नहीं है, वो आदमी कोई और था। मतलब आपने पैसे दिए थे किसी व्यक्ति को बिजली काटने के लिए? इसका अर्थ ये होता है शिंदे साहब कि षड्यंत्र आपका रचा हुआ है, मैनेजर शेट्टी की हत्या आप ही ने की है। मैंने शेट्टी को नहीं मारा, लेकिन मैं जानता हूँ कि शेट्टी को किसने मारा है। किसने की है बताइए। गोरांग, जोर से बोलिए। किस गोरांग ने? ये भी बता दीजिए कि आपको कैसे पता कि हत्या गौरांग ने की? मैं जब पिंकी के साथ होटल के कमरे में था तो मैंने शोर शराबा सुना, गुस्से की आवाजें सुनी, तो मैं कमरे से निकल करके नीचे चला गया। नीचे जाकर के मैंने देखा कि आतिश ने किसी को मार दिया है, किसी का खून कर दिया है। अब उसके बाद जब मैं वापस मेरे होटल के कमरे में आने लगा तो हेलो दिवाकर, गौरांग बोल रहा हूँ। सुनो, तुम और तुम्हारे साथी रिपोर्टर्स जल्दी से डेफोडिल्स पब पहुंच जाओ। अरे कोई छोटी मोटी खबर नहीं दे रहा हूँ यार, यहाँ के मैनेजर का मर्डर हुआ है, और मर्डर करने वाला कोई और नहीं, दिग्विजय पाटिल का बेटा आतिश पाटिल। ये खबर हर जगह हाईलाइट होनी चाहिए, और हमेशा की तरह मेरा नाम आगे नहीं आने, समझे? जल्दी से आ जाओ। हाँ शंकर, बहुत अच्छा काम किया तुमने, एकदम सही टाइम पे लाइट ऑफ। चलो, और सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैनेजर का मर्डर मैंने किया। नहीं पता पड़ेगा साहब। चलो अब गायब हो जाओ, दिखना मत। कम ऑन गौरांग, मुझे अभी पता चला कि आतिश ने पब में किसी का खून कर दिया है, लेकिन वो खून तूने किया है ये पता ना था। और ये बात अब तुम सबको बता दोगे? अरे ना, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है, तुम्हें फंसाने से मुझे क्या फायदा? हाँ, आतिश को फंसाने से मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। मंत्री जी, रूम बुक करके आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओहो, टिकट बांटी जा रही है यहाँ पर हा? तुम कमरे पर चलो, मैं अभी आता हूँ। भाई ये तो नहले पे दहला हो गया, तुम हमारे राजदार और हम तुम्हारे, मैं चलता हूँ, इंतजार कर रही है। मैंने ही मैनेजर शेट्टी का मर्डर किया। अगर मेरा बस चलता तो दिग्विजय पाटिल और आतिश को भी खत्म कर देता। गौरांग, अदालत में यह प्रमाणित हो चुका है कि मैनेजर शेट्टी की हत्या आपने की है। अब भले जुर्म करना है तो करिए, वरना सत्य उगलवाने के तरीके भी हैं, पुलिस के पास भी, हमारे पास भी। क्या करना चाहेंगे आप? आतिश को फंसाने का प्लान मैंने पहले से ही तय किया हुआ था, इसलिए मैं उसे डेफोडिल पब में लेके गया। जो झगड़ा हुआ था वो भी मुझे पता था, वहां पर आतिश को शराब नहीं मिलेगी, वो लोग सर्व नहीं करेंगे, और वो इस बात पर हंगामा खड़ा करेगा, क्योंकि ये हमेशा से ऐसा करता है। रुकिए सर, रुकिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। प्रॉब्लम क्या मुझे बताइए, प्लीज प्लीज गन अंदर रखिए, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। तुझे बेटे जैसा समझा और तूने अपने काका को भी धोखा दिया। अरे कौन सा काका और कौन सा बेटा, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा बेटा है। मेरी मेहनत मैं करूं, सारा काम मैं करूं,
और नाम किसका होता है? आतिश का। कोई भी पार्टी में अच्छा काम कुछ भी हो, क्रेडिट किसको मिलता है? आतिश को। कभी अपने भतीजे के बारे में सोचा तुमने? मैं हमेशा सोचता था कि तुम कभी तो मेरे दिल की बात समझो, लेकिन नहीं। गौरांग भैया, आप एक बार मुझे अपने दिल की बात बोलकर तो देखते। यही प्रॉब्लम है तुम लोग, राजा समझते हो अपने आप को। कोई तुमसे भीख मांगे और तुम उसे भीख दे दो, लेकिन मुझे मेरे चुनाव का टिकट भीख में नहीं चाहिए था, अपनी काबिलियत में चाहिए था। फिर जिस दिन मुझे पता चला। तो पाटिल साहब, क्या सोचा है आपने? आपके क्षेत्र की बागडोर कौन संभालेगा? असली हकदार तो आतिश से ज्यादा गौरांग है, लेकिन आतिश मेरा खून है। मैं चाहकर भी उसका दिल नहीं तोड़ सकता। गौरांग को मैं समझा दूंगा। उसी दिन मैंने सोच लिया कि आतिश को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसके गुस्से का इस्तेमाल करके बर्बाद कर दूंगा मैं उसे। मैंने अपनी प्लानिंग करनी शुरू की। मैं आतिश को गलत काम करने के लिए उकसाता था और फिर मीडिया को खबर करके उसकी बदनामी करता था, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसकी छवि खराब नहीं हुई, चुनाव का टिकट उसका कैंसिल नहीं हुआ। तब मैंने मर्डर का षड्यंत्र रचा। शर्मनाक बात है, लेकिन अब क्या करें, राजनीति है या ऐसा दलदल। कदम रखा तो धसना तो जरूर है। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत गौरांग पाटिल को मैनेजर शेट्टी का खून करने के जुर्म में दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है और महेश शिंदे को मिस्टर पाठक पर जानलेवा हमला कराने की जुर्म में दफा 307 के तहत 8 साल कैद की सजा सुनाती है और आतिश को खूनी करार ना देते हुए शराब पीकर किसी की जान लेने की कोशिश करने के जुर्म में 2 साल की सजा सुनाती है। The case is closed. पाठक साहब, मैं जानता था आप टोकेंगे। नहीं, टोकने इस बार रिक्वेस्ट है। अच्छा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं? प्लीज करिए ना। क्या है, देखो आपको चोट लगी है तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए आराम करें। हाँ, मतलब कुछ दिनों के लिए अदालत में ना आए। मैं आराम करूं, अदालत में ना आऊं, ताकि मैं एकाध केस तो जीत सकूं। जसवाल साहब, चोट चाहे जितनी भी लगी हो, ये संभव नहीं कि मैं अदालत में ना आऊं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है इनके प्रति, और मैं अदालत में ना आऊं ऐसा तो हो नहीं सकता। Am I right or am I right? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.